बीजेपी तो ये कह रही है कि यूपी में इस बार 300 पार होगा। पार होगा तो और जगह भी तो बोल रहे थे जाकर कलकत्ता में, यही अभी सब बोले थे ना, पार कर रहे थे अभी, चले गए अपने। सर बिहार में भी लगता है कि इंडिया में सब कुछ कंफर्टेबल है, सर जाएंगे चुनाव बिहार, इंडिया में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बिहार पर थर्ड फ्रंट बनाने की कोई कोशिश चल रही है? अरे अभी तो चुनाव है तो थर्ड फ्रंट बनाने का होगा जा। लालू जी जाएंगे यूपी, जाएंगे जाएंगे चुनाव प्रचार करने आप फिजिकली एक दो दिन? तबीयत ठीक नहीं ना हमारा, हम जाएंगे तो झंझट हो जाएगा, एक भी दिन नहीं जाएंगे। ये चीज देखा जा रहा है, मैं बोल रहा हूं बिहार में एक चीज देखा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है और क्या कोई नई परिवर्तन होने वाली है? मैं अभी तो आया हूँ दिल्ली से, पूरा अध्ययन मैं नहीं किया हूँ, लेकिन ये तो नीतीश कुमार जहाँ जहाँ गए हैं तो उनका तो लक्षण ही रहा, सत्ता के लिए सब जगह नीतीश दौड़ते रहे हैं। और छेदी पासवान ने जो बयान दिया, दाऊद वाला बात बोला, वो बात नहीं बोलना चाहिए, बाकी तो सब लोग जानता है नीतीश कुमार कहाँ कहाँ जाता है। राजद के साथ जेडीयू कोई सरकार बना सके, यहाँ पर भी कुछ देखने को मिलेगा, उसका असर बिहार में भी हो सकता है? अब होगा तो देखा जाएगा, या तो हम देख लेंगे, पहले सब क्या बोला। सरकार कितने दिन चलेगी? कौन सरकार? वो तो आप जानते होंगे, रहते हैं रोज। राष्ट्रीय कार्यकाल में यूपी में सफाया होगा बीजेपी का, आप कह रहे हैं तो इसका असर 24 में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, सब 24 का तैयारी हो रहा है ना, सफाया होगा। सर एक ही बताइए कि अलग होकर क्या कोई थर्ड फ्रंट में चुनाव हो रहा है, गोवा में चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, तो आरजेडी का किस किस, आप बोलते हैं कि बिहार में आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है लेकिन केंद्र में आप उनके साथ हैं, सब जगह कांग्रेस लड़ रही है, यूपी में अखिलेश भी लड़ रहे हैं, आरजेडी का हाथ किसके साथ? हम साथ में हैं यहाँ जो पार्टी अखिलेश समाजवादी पार्टी, तो मजबूती के साथ जनता का सैंक्शन मिल रहा है उनको, उनके साथ हम, बाकी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय हित में जो कभी कोई बात की तो हम रहते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो महाभारत छिड़ा है और जो व्याकुल और बुरी तरह से परेशान है भाजपा, इस बात का साफ संकेत है कि भाजपा का विदाई हो रहा है वहाँ। जाट बहुल इलाका उत्तर प्रदेश और हरियाणा है और आज उनके दरवाजा पर जा रहे हैं, इस तरह से जाटों की पिटाई अपमानित किया गया, आतंकवादी कहा गया, जेल में लोग भेजे गए, घसीटे गए, तो ये बात लोग भूले नहीं हैं। जाट कम्युनिटी हरियाणा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा असर रखता है सरकार बनाने, और भाजपा सरकार बिल्कुल पिछड़े वर्गों का आरक्षण समाप्त कर दिया है और धीरे धीरे समाप्त करते जा रहा है। ये देश 70 साल पहले अंग्रेज ब्रिटिश चला गया, सरकार ब्रिटिश आ गया थे, हम सब बारे में फुलखों ने ब्रिटिश को भगाया था और वो समाप्त हुआ, लेकिन अब 70 साल के बाद नया अंग्रेज ये सब आ गया भाजपा के रूप में जी, जो दंगा फसाद करना चाहता लेकिन देश इसे माफ नहीं करे। तो हम अपील करते हैं वोटरों से, सभी लोगों से, खास करके जाट बिरादरी से और वहाँ पिछड़े वर्गों के लोग हैं, पूरी तरह से भाजपा को पराजित करें, कल से चुनाव का शुभारंभ हो रहा है। ये हिजाब को लेकर ये सब कुछ चुनाव से, ये चुनाव की बात नहीं है, ये बात समझिए इसका, ये देश सिविल वार में चला जा रहा है, मोदी जी की सरकार में सिविल वार और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी इनकी होगी, सब कोई चुनाव लेकर के नहीं, वो तो गंदा बात रोज बोल ही रहा लो, मुजफ्फरनगर तफराना तफराना राम निर्भर करते रहना, तो क्या सिविल वॉर की तरफ ये पूरा? हाँ ये सब बताता है संकेत, देश में इतनी गरीबी है, महंगी है, बेकारी है, परेशानी है, उसकी एक दिन भी चर्चा नहीं हो रही है, चाहे पीएम का भाषण हो या किसी का हो, सिर्फ वो
अयोध्या और वाराणसी मथुरा काशी मथुरा काशी यही समय जो लगे हुए हैं।